जब कभी भी घर की बात होती है ना, या फिर आप कभी भी किसी से भी पूछो कि आपको घर कैसा चाहिए, तो सबके आंसर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि घर को लेकर ना सबके सपने अलग अलग होते हैं। बट हाँ, एक बात जो कॉमन होती है वो है, मुझे एक साफ सुथरा और अच्छा घर चाहिए। तो घर छोटा हो या फिर बड़ा हो, साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक घर को घर बनाना ना हम औरतों के हाथ में होता है, और ये जिम्मेदारी निभाते निभाते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन इसमें भी हमें कभी ये अफसोस नहीं होता कि घर और परिवार को संभालते संभालते हमने अपनी पूरी लाइफ ही ख़त्म कर दी। बल्कि जब भी पीछे पलट कर देखते हैं ना, तो खुशी ज़्यादा होती है कि हमने अपना काम बखूबी किया और अपना 100% दिया है। तो अपनी इसी सोच के साथ मैं लग गई हूँ अपने घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि होता ये है ना कि अगर घर में बच्चे हों तो आपको 24 घंटे कमर कसकर रेडी रहना होगा चीज़ों को समेटने के लिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमने मॉर्निंग में तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, अब पूरे दिन की छुट्टी, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चे हों तो आपका घर सही से कैसे रह सकता है। मेरे घर की हालत भी कुछ ऐसी ही है, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो पूरे घर में आपको बच्चों के नोटबुक, कॉपी सब नज़र आएंगे। ये नहीं कि पढ़ लिए हैं तो एक जगह समेट के रख दिए, तो हर जगह इनके बुक फैले हुए हैं, तो इसे समेट के मैंने एक जगह रख लिया है। और हाथों हाथ बेड भी थोड़ा सा बिखरा हुआ था, तो उसे भी सेट कर लेती हूँ। और अब जाकर ये रूम भी सेट हो गया है और थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो शाम हो गई है, तो घर की जो प्यारी प्यारी लाइटें हैं ना, जिससे मेरा घर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, उसे ऑन कर देते हैं। और सच में लाइटें जो होती है ना, घर को खूबसूरत बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो शाम होते ही मैंने घर की सारी लाइटें ऑन कर दी हैं, जिससे घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बस एक चीज़ की कमी है, तो उसे भी हम पूरा कर लेते हैं। तो घर में एक अच्छी खुशबू के लिए ना एक कैंडल जला देते हैं, जिसकी भीनी भीनी खुशबू से ना घर महक उठे। छोटी छोटी कोशिश और थोड़ा बहुत चीज़ों को समेटने के बाद फाइनली अब मेरा पूरा घर सेट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जब आप अपने घर को इस तरीके से देखते हो ना, तो आपकी पूरी थकावट कहीं दूर हो जाती है और आँखों को बड़ा सुकून मिलता है। तो घर तो सेट है, तो अब चलते हैं बाहर, क्योंकि बालकनी में मैंने कुछ कपड़े सुखाए थे तो वो सूख चुके हैं, तो उन्हें फटाफट उठा लेती हूँ। वैसे सुबह के मुकाबले में ना शाम में काम कम होते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम इतने होते हैं ना कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो काम तो होते रहेंगे, इस बीच एक ब्रेक ले लेते हैं और इन्जॉय करते हैं शाम की चाय। तो चलिए चाय बनाते हैं। लेकिन किचन आने से ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक काम करके निकल जाए, बल्कि एक काम के जगह ना किचन आने से कितने सारे काम एक साथ दिख जाते हैं। तो चाय बनाने से पहले मैंने दोपहर के बर्तन धुल के रखे हुए थे और वो सूख चुके हैं, तो उसे अंदर उनकी जगह पे रख देती हूँ, ताकि जो सिंक वाला एरिया है ना वो खाली हो जाए। तो सभी बर्तनों को अरेंज कर दिया है और अब चलिए बनाते हैं चाय, वो भी अदरक वाली, क्योंकि अभी भी ना थोड़ा सा कोल्ड कफ है, तो ऐसे में अदरक वाली चाय ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो चाय जब मीडियम आंच में धीरे धीरे बनती है ना, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चाय को बैठा दिया है मैंने इंडक्शन में, और धीमी आंच पर जब तक चाय धीरे धीरे बनती है ना, तब तक क्या करती हूँ ना, थोड़े बहुत काम किचन के और समेटने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ बड़े बर्तन सिंक में पड़े हुए थे, तो उन्हें फटाफट वॉश कर लेती हूँ। कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है
कि सिंक में एक भी बर्तन ना रहे जिससे जो मेरा किचन है ना साफ़ सुथरा और खूबसूरत दिखे। तो अभी फटाफट एक आध दो बड़े बर्तन थे तो उन्हें फटाफट वॉश करके जो सिंक वाला एरिया है ना उसे क्लियर कर लेती हूँ। तो बर्तन धोते धोते चाय भी बनकर रेडी थी, तो चलिए अब फटाफट चाय इन्जॉय करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे काम घर के और भी हैं जो करने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बच्चों की स्टडी करवानी है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ उनकी स्टडी में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो इत्मीनान से चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर घर के बाकी काम करूँगी। और ये जो चाय वाला टाइम हमारा होता है ना, ये क्वालिटी टाइम होता है। चाय पे हमारी चर्चा चलती है, जी हाँ, बहुत सारी बातें निकलती है चाय पे। तो चाय वाला जो टाइम होता है ना, मैं बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर इन्जॉय करती हूँ क्योंकि ये फिर टाइम मिलता नहीं है पूरे दिन भर में, या तो फिर मॉर्निंग में या तो फिर इवनिंग में जब हम साथ में चाय पीते हैं। तो देखते ही देखते शाम हो गया था और संध्या का समय भी हो गया था, टाइम कैसे पार होता है ना सच में पता नहीं चलता है। तो मैं कपड़े बदल कर आ गई थी संध्या देने के लिए, तो शाम की पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। तो इस तरीके से ना समय समय पे हमें घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, ये नहीं कि सिर्फ घर के काम ही हैं, और भी अदर चीज़ें होती हैं जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है। तो संध्या के बाद बच्चों को नाश्ता दे दिया था और अब बैठ गई थी उन्हें स्टडी कराने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को स्टडी करवाते करवाते टाइम का पता ही नहीं चला और टाइम हो गया था अब रात के खाने का। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में क्योंकि रात का खाना रेडी करना था। तो सब्ज़ी मैंने पहले ही शाम में ही बना लिया था क्योंकि रात में पता होता है बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, और जब एक बार बच्चों के साथ बैठ गई ना तो फिर बीच में उठना इम्पॉसिबल है। तो अभी फटाफट रोटियां बची हुई है वो बना लेते हैं, और थोड़े से ना दोपहर के चावल बचे हुए थे तो उन्हें फ्राई करना था, तो वो एक तरफ मैं कर रही हूँ। तो फटाफट रात का खाना कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। खाना बनने के बाद दोनों बच्चों को मैंने लगा दिया था क्योंकि सुबह में फिर जल्दी उठना है, स्कूल है, एग्ज़ाम है, और उसके बाद फिर हमने भी खा लिया था। तो बर्तन भी मैंने फटाफट धो लिए थे, बस बचा हुआ था किचन साफ़ करना, तो उसी में लगी हुई हूँ। फटाफट किचन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ा काम है। सुबह जब आप उठ के आओ ना तो किचन एकदम बिल्कुल फ्रेश मिलता है ना, तो काम करने में भी मन लगता है क्योंकि आपको पता है सुबह में कितनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, कितने सारे काम होते हैं। तो किचन अगर साफ़ सुथरा हो ना तो बहुत अच्छे से सारे काम निपट जाते हैं। तो इसीलिए रात में खाना खाने के बाद प्रॉपर किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ और उसके बाद ही फिर सोने जाती हूँ। तो जो काउंटर टॉप था ना उसे मैंने क्लीन कर लिया था, जो वॉल टाइल्स है उसे भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं क्योंकि जब भी खाना बनाते हैं तो थोड़े बहुत तेल के छींटे पड़ते ही हैं। और अभी मैंने क्या किया है ना, जितने भी वॉल टाइल्स पे सेल्फ लगी हुई थी ना ग्लासेस के, सभी को मैंने हटा दिया है क्योंकि साफ़ करने में बहुत परेशानी आ रही थी। तो अभी जो काउंटर टॉप वाली वॉल है ना वो बिल्कुल खाली हो रखी है और साफ़ सुथरा करने में ना बहुत ईजी हो रहा है, और एकदम इतने टाइम के बाद खाली खाली देख रही हूँ ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए काउंटर टॉप, वॉल टाइल सभी को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था और अब चलते हैं सोने और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था, युग निकल चुका था, प्रीत के निकलने की बारी थी, तो फटाफट मैंने उसका लंच बॉक्स, वाटर बोतल सब रेडी कर दिया था। और भगवान से बस सभी यही प्रार्थना है कि इनका एग्ज़ाम बस अच्छे से चले जाए क्योंकि एग्ज़ाम इनका रहता है लेकिन हालत हम पेरेंट्स की ख़राब रहती है। मेहनत ये करते हैं बट फिर भी डर हमें रहता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान दें और जब रिजल्ट आए तो बहुत अच्छा है। तो चलिए बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए और वही मैं देख रही थी, और उसके बाद अभी स्टार्ट करना था बहुत सारा काम। लेकिन चलते हैं एक बार बालकनी क्योंकि कल रात में ना बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। अभी तो कुछ भी नहीं है, जब मॉर्निंग में मैं उठी थी ना तो बहुत ज़्यादा कुहासा हो रखा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो बारिश की वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था बालकनी में। मन कर रहा था अभी थोड़ी देर यहीं बैठे रहूं बट ऑप्शन हमारे पास नहीं है क्योंकि एक काम ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा काम सर पे आके खड़ा रहता है। तो अभी पूरे घर को क्लीन
क्लीन करना है। सुबह वाली जो हमारी मॉर्निंग वाली ड्यूटी रहती है वो अभी पूरी बाकी है, बच्चे तो चले गए हैं बट जो घर की ड्यूटी है ना क्लीनिंग डस्टिंग मॉपिंग की वो बची हुई है, तो बिना टाइम गवाए फटाफट लगती हूँ घर के कामों में। तो शुरुआत करते हैं डस्टिंग से, पहले सब तरफ की अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर झाड़ू और लास्ट में मॉपिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट डस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डाइनिंग टेबल से स्टार्ट की थी क्योंकि बच्चों ने जस्ट अभी यहाँ खाना खाया है ना, और वैसे भी रात में बैठकर यहीं पे पढ़ते हैं बच्चे, तो थोड़ा बहुत चेयर इधर उधर हो जाता है, थोड़ी बहुत गंदगी भी हो जाती है, तो उसे मैंने क्लीन कर लिया। एंड उसके बाद जो हमारा डाइनिंग हॉल में जो सोफ़ा रखा हुआ है ना उसमें मुझे थ्रो डालना था, क्योंकि ऐसे सोफ़ा रखा हुआ रहता है ना तो बहुत गंदा हो जाता है, वैसे भी ये सोफ़ा थोड़ा गंदा हो रखा है, मुझे इसे बहुत अच्छे से क्लीन करना है, बट हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, क्योंकि ये सोफ़ा थोड़ा सा हेवी भी है और गंदा भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मुझे पता है टाइम अच्छा खासा लगने वाला है, और मैं वेट कर रही हूँ धूप भी बहुत अच्छा खासा होना तभी सोफ़े को उस दिन अच्छे से क्लीन करूँ, क्योंकि अभी जैसा मौसम हो रखा है ना और अभी मैं अगर इस सोफ़े को क्लीन करने बैठूँ ना तो सोफ़े अच्छे से सूखेंगे नहीं, फिर मेरा साफ़ करना नहीं करना वो बराबर हो जाएगा, इसलिए जिस दिन अच्छे से धूप निकलेगा ना उस दिन सोफ़े को अच्छे से क्लीन करके धूप में दे देना है ताकि सोफ़े एकदम प्रॉपर सूख जाए और एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। तो चलिए थ्रो मैंने डाल दिया था सोफ़ा में, और थ्रो डालने के बाद ना कोई भी सोफ़ा कैसा भी हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ तो सब कुछ सेट हो गया है, बस जो यहाँ मैंने राउंड वाला रनर डाला है उसे अच्छे से झाड़ लिया, और जो सेंटर टेबल है ये कॉफ़ी टेबल आप बोल सकते हो तो इसे भी अच्छे से एक बार इसकी मैंने डस्टिंग कर ली है, तो यहाँ का भी काम डन हो गया है। तो लगभग धीरे धीरे करके मैंने पूरे घर में डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे करते हो ना तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, और मौसम आप देख सकते हो दिन में ही इतना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है तो मुझे लाइट जलानी पड़ रही है। तो चलिए फ्रेंड अब भी मैं कर रही हूँ झाड़ू, अभी मॉपिंग भी बची हुई है, तो इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।